मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े से हेडलाइन 24 की चर्चा। मध्य प्रदेश शासन ने 10 दिवस एक आदेश जारी करा है कि सफाई कर्मचारियों की अब भर्ती व्यापम द्वारा की जाएगी और उसमें कुछ शर्तें भी सरकार ने लगाई है, जिसका पूर्ण जोर से वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है। आज अधिकारी वाल्मीकि समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल किशोर कोड़े जी हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है मंच के माध्यम से कि सरकार ने इस आदेश में शीघ्र संशोधित नहीं किया तो संपूर्ण वाल्मीकि समाज मध्य प्रदेश में ऐसा आंदोलन करेगी कि आने वाली सरकार और वर्तमान सरकार दोनों भविष्य पिछले 50 साल तक वाल्मीकि समाज को याद रखेगी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कदम जो उठाएंगे जिससे संपूर्ण समाज के पहिए हिल जाएंगे। सर, पहले ये बताइए, आपका हेडलाइन में स्वागत है। किस प्रकार सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि व्यापम जो भर्ती कैसा विरोध करें? मध्य प्रदेश नगरीय विकास विभाग के द्वारा 12 अक्टूबर को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों को सीधी भर्ती व्यापम के द्वारा भरे जाने का आदेश जारी किया। उसमें सफाई कर्मचारियों के पदों को भी आरक्षण रोस्टर की पद्धति के अनुसार भरे जाने। हमारा कहना सरकार से ये है वो नीतिगत आदेश नहीं है, क्योंकि यदि दूसरी जाति के आरक्षण के हिसाब से नौकर हुए तो वो पहली बात तो सफाई का काम नहीं करेंगे, और जो बरसों से सफाई के काम में लगे हुए हैं और इस आशा में काम कर रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाएगा, वो उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमने और संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की सफाई काम को ठप कर दी जाएगी। ना तो कोई कचरा उठाएगा, ना कहीं झाड़ू लगेगी, ना कहीं सीवर लाइन साफ होगी, और जब तक ये इस बेहुदा आदेश को वापस नहीं ले लेते और ये गारंटी नहीं देते कि कभी भी इस तरीके का वाल्मीकि समाज के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं होगा, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं, आंदोलन की राह पर रहेंगे। दूसरी चीज़ हमने उनसे, आजकल एक और नई चीज़ सरकार हमारे साथ कर रही है, सफाई कर्मचारियों का एक ही पेशा है, वो है सुअर पालना। शहरों से सुअरों को भगा रही है, सुअरों को मरवा रहे हैं, अधिकारी सुअरों को ले जाकर बाहर बेच रहे हैं और नौकरी पे दबाव दे रहे हैं। ऐसा अभी हाल ही में शिवपुरी में हुआ, सोपुर में हुआ, इंदौर में हुआ और कई जगह हो रहा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े जी ने साफ शब्दों में सरकार को फिर चेतावनी दी है कि शीघ्र इस निर्णय को बदले, अन्यथा सरकार इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार आज गांधी भवन में संपूर्ण सामाजिक संगठन एक मंच में नजर आए, उससे साफ जाहिर होता है वाल्मीकि समाज रोड पर आएगा तो पूरे मध्य प्रदेश के हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए सरकार को समय रहते हुए इनसे मिलना चाहिए, इनकी समस्याओं में ध्यान देना चाहिए और तत्काल इस समस्या का निराकरण निकाल के ऐसे आदेश तो खारिज किया जाना चाहिए। हेडलाइन 24, संतोष जी, भोपाल।